हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले एएमसी, क्योंकि एएमसी स्टॉक से रिलेटेड हमने काफ़ी टाइम से बात नहीं करी। और एक तरीके से अगर बात की जाए तो जितने भी स्टॉक मार्केट में लोग हैं वो एएमसी स्टॉक्स को एक तरीके से भूल गए हैं। अगर हम देखें, एएमसी का मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, जो यहाँ पर एक तरीके से म्यूचुअल फंड जो यहाँ पर पैसा लेती है लोगों से, क्लाइंट से, और सारा पैसा यहाँ पर स्टॉक मार्केट में डालती हुई दिखाई देती है अलग अलग फंड के थ्रू। और यहाँ पर हम देखे तो फिर उन्हें एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट करके यहाँ पर देती हुई नजर आती है। तो एएमसी कंपनीज आपको पता ही है, काफी सारी एएमसी कंपनीज है। जैसे कि हम बात करें, एचडीएफसी एएमसी है, आदित्य बिरला सन लाइफ है, निपॉन है, यूटीआई है, ये तीन यहाँ पर एएमसी कंपनीज यहाँ पर इंडिया में नजर आती है। तो एक एक करके हम बात करेंगे, इन सभी स्टॉक से रिलेटेड चार्ट में बात करेंगे। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फॉरएवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन। दूसरा चैनल नितेश कुमार, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चार वीडियो आज की डेट में आ चुकी है, चारों वीडियो को जाके देखिए, अच्छी खासी नॉलेज मिलती हुई नजर आएगी, पैसा बनता हुआ नजर आएगा। और जब दोनों चीजें यहाँ पर आपको मिल रही है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वीडियो को देखिए और यहाँ पर टेक्निकल की सीरीज है उसे देखिए, ट्विटर पे फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ की। आदित्य बिरला सन लाइफ की अगर मैं बात करूं तो अभी जितनी भी एएमसी कंपनीज के जो रिजल्ट आए हैं, ओके, अगर मैं देखूं तो यहाँ पर सेल्स उनकी कम होती हुई नजर आई है, बट मार्जिन के हिसाब से वो या तो फ्लैट रहे या अच्छे खासे मार्जिन आए। यहाँ पर भी देखेंगे तो क्वार्टरली बेस पे मार्जिन फ्लैट है, बट ईयरली बेसिस पे फ्लैट है, क्वार्टरली बेसिस पे गिरावट है, ओके। बट एएमसी के बिजनेस में याद रखिए, जिस तरीके से अभी यहाँ पर मार्केट गिरी थी और जिस तरीके से पैसे डाले गए थे, तो एएमसी बिजनेस आने वाले टाइम में जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगी, निफ्टी 50 ऊपर जाएगा, उनके स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, तो याद रखिए सबसे पहले और सबसे ज्यादा प्रॉफिट इन्हीं कंपनी को होता हुआ नजर आएगा। इस चीज को आपको समझना होगा, क्यों? क्योंकि जो पैसा डाला है रिटेल इन्वेस्टर्स ने, थोड़ा बहुत डाला है रिटेल इन्वेस्टर्स ने डाला है, तो वो किसके थ्रू डाला है? म्यूचुअल फंड के थ्रू डाला है। डीआईआईज ने यहाँ पर खरीदा है, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं डीआईआईज और एफआईआईज का जो हमारा डेटा है, ओके, आप यहां पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो ये पैसे डाले गए हैं मोस्टली डीआईएस के थ्रू डाले गए हैं और लैक्स ऑफ करोड़ रुपीज यहाँ पर डाले गए हैं। तो ये चीजें आपको यहाँ पर समझनी होगी। ये देखिए, ये जितना ये पैसा डाला गया है सब डीआईएस ने डाला है, और जब इन्हें निकाला जाएगा तो याद रखिए प्रॉफिट में निकाला जाएगा, लॉस में नहीं। तो आपको ये चीजें समझनी होगी, और उस टाइम यहाँ पर जो कंपनीज है, एएमसीज कंपनीज है, वो यहाँ पर चलती हुई नजर आएगी। तो सबसे हम पहले हम बात करेंगे आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी की। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं चार्ट के बेसिस पे। देखिए, शेयर अगर हम देखें तो एक ऑलरेडी एक बेहतरीन गिरावट यहाँ पर इस शेयर में हो चुकी है। अभी की बात करें 41% गिरावट, और नीचे हम बात करें 47-48% तक ये शेयर गिरता हुआ नजर आया था। तो क्या हमें बेच देना चाहिए था? देखिए, बेचने वालों ने बेचा भी होगा और जी काफी लोग यहाँ पर अटके भी होंगे। बट अगर हम बात करें अब शेयर की ने जो मूवमेंट देना शुरू किया है, ओके, और जो यहाँ पर नजर आ रहा है वो यहाँ पर साफ नजर आ रहा है, ओके। दूसरे शेयर से पहले, सबसे पहले एएमसी की बात कर रहा हूँ, उस वो भी आदित्य बिरला। तो आदित्य बिरला यहाँ पर मुझे काफी अच्छा नजर आता है, क्योंकि एक अच्छी खासी गिरावट, नया शेयर, और यहाँ पर जिस तरीके का परफॉर्मेंस है 60% तक का मार्जिन कम से कम निकाले ही है। यहाँ पर देखिए अक्टूबर तक ये शेयर मुझे 29% के रिटर्न तो दे रहा है, बट चीजें यहाँ रुकने नहीं वाली। यहाँ पर 591 और फिर सीधे यहाँ पर जाता है 724 तक जाता हुआ नजर आ रहा है। इस शेयर की अगर मैं कुछ और बातें करूँ, जिस दिन इस लेवल से निकला, याद रखिए 435 से निकला, एक अच्छी खासी तेजी होती हुई नजर आएगी, और नीचे यहाँ पर डाउन साइड रिस्क बिल्कुल कम है। 400 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा, 26 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर देखिए कितने रुपए के लिए आप यहाँ पर बने रह सकते हो, और यहाँ पर रुका नहीं है, यहाँ रुकना नहीं है, सीधे यहाँ पर और ऊपर तक जाता हुआ शेयर नजर आता है। तो आदित्य बिरला की तरफ ध्यान दीजिएगा। दूसरे शेयर की बात करूं तो दूसरा शेयर हमारे पास है एचडीएफसी एएमसी। एचडीएफसी एएमसी के भी रिजल्ट इसी तरीके से आया है, सारे जैसे एएमसी के आए हैं, बट इसने यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पर दे चुका है। ये जो हमारी लाइन है, इस लाइन के भी ऊपर ये चलता हुआ नजर आ रहा है, ओके। अब क्या नजर आता है? अब सिंपल चीजें ये नजर आती है कि ये शेयर कभी भी अच्छे खासे रिटर्न देता हुआ नजर आएगा, जो इसका ये रिसेंट हाई था ना, ओके, 2022 का, जैसे ये निकला सीधे शेयर मुझे यहाँ पर जाता हुआ नजर आ रहा है 2500-2400 के लेवल तक। और यहाँ पर जिस तरीके की गिरावट लगातार हुई थी, यहाँ पर देखिए राउंडिंग टॉप बना के चीजें नीचे आई थी, इसी तरीके से राउंडिंग बॉटम बना के चीजें ऊपर जाएगी और शेयर 3200 रुपए का लेवल फिर निकालेगा, और यहाँ पर जो फिर यहाँ पर चार्ट बनेगा
वो और अच्छे खासे रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर AMC के स्टॉक्स मेरे पास है, निपॉन है और HDFC है, बट मैं यहाँ पर आदित्य बिरला जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट देगा उसे भी यहाँ पर कंसीडर करूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे वहां पर अच्छे खासे पैसे बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये शेयर हो गया। इसके अलावा हम बात करेंगे निपॉन लाइफ की। निपॉन लाइफ के भी जो शेयर के रिजल्ट है वो खास नहीं आए, ऐसी रिजल्ट आए पर टू बी वेरी फ्रेंक ओके। और यहाँ पर अब देखेंगे बार बार कोशिश कर रहा है इस लेवल को, जो लाइन खींच रखी है मैंने, बार बार कोशिश कर रहा है, यहाँ कोशिश किया फिर यहाँ कोशिश किया, ये कोशिश की ये कोशिश की फिर ये कोशिश करी और कोशिश करके दोबारा नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे की बात करो, नीचे डाउन साइड रिस्क वही 25-26 रुपए के आसपास का, और ऊपर जब ये शेयर यहाँ पर जाता इस लाइन को क्रॉस किया और एक यहाँ पर इस लाइन को क्रॉस किया ओके, 300 रुपए 304 रुपए का लेवल क्रॉस किया, तो शेयर सीधा जाता हुआ दिख नजर आता है सबसे पहले इस लेवल पे और फिर उसके बाद यहाँ पर भी जाता हुआ नजर आता है। तो इसलिए आप शेयर में बने रहिए, अच्छे खासे रिटर्न बनेंगे ओके। AMC इस कंपनी रिजल्ट देगी और अच्छे खासे रिजल्ट भी देगी और अच्छे खासे पैसे भी देगी, टू बी वेरी फ्रेंक बात की जाए तो। इसके अलावा बात करते हैं UTI AMC, सबसे बेकार रिजल्ट जिसके आए हैं वो UTI AMC है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार देख लेते हैं। देखिए 36% का मार्जिन, अच्छा खासा मार्जिन इनका गिरा है ओके। यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे ठीक है बट ईयरली बेसिस पे मार्जिन अच्छा खासा गिरा है, सेल्स कम होती हुई नजर आई है कंपनी की और कंपनी का यहाँ पर परफॉर्मेंस गिरता हुआ नजर आया है, तो इसलिए थोड़ा सा कॉशियस वे अपने अपनाना है। UTI AMC की बात करें, जब सारी AMC चलेगी तो कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, एज इट इज अगर हम देखें जब यहाँ पर सारे शेयर चलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये शेयर भी यहाँ पर रुकने नहीं वाला, ये शेयर भी अच्छा खासा आपको रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। तो अभी की फिलहाल की अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये जो लेवल है ना, ये लेवल, इस लेवल को निकालना बहुत जरूरी है, जो कि कितना है, जो कि एग्जैक्ट मैं आपको बता देता हूँ, 710 रुपए का, 710 रुपए का लेवल निकाला और 743 का लेवल निकाला, शेयर 881 और 919 तक जाता हुआ फिर दिखाई देगा। ऑलरेडी शेयर की अगर हम बात करें, शेयर में ऑलरेडी लगभग 43% की गिरावट और 50% तक नीचे आता हुआ दिखाई दिया था। पहले आप देख सकते हैं किस तरीके से इसने मल्टीबैगर रिटर्न भी दिया था, पैसा डबल होता हुआ नजर आया था, बट अच्छे रिजल्ट शायद इसके आते हुए दिखाई देंगे नेक्स्ट क्वार्टर में। अगर अच्छे रिजल्ट आते हैं तो चीजें और अच्छी होती नजर आएगी, अदरवाइज यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर सकता है। इससे बढ़िया मुझे सबसे बेहतरीन आदित्य बिरला सनलाइफ, AMC और उसके बाद मुझे नजर आता है HDFC और निपॉन ओके। तीनों शेयर को यहाँ पर रखिए, तीनों शेयर ने यहाँ पर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अलग अलग शेयर्स में कर रखी है अच्छी खासे तरीके से, जो कि मैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न जब देखता हूँ अलग अलग कंपनी के, निपॉन दिखता है, HDFC दिखता है ओके। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करना है, और जैसे ही पैसा आएगा AMC स्टॉक्स भागेंगे, तो यू डोंट नीड टू बी वरी अबाउट दैट, स्टॉक्स का दिन होता है ओके, जिस दिन चलना होगा उस दिन चलेगा और उस दिन सारे के सारे रिटर्न देता हुआ नजर आएंगे। दूसरी वीडियोस को देखिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, ट्विटर पे फॉलो करिए, दूसरे चैनल को फॉलो करिए, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।